हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीएलई अपडेट्स 24x7। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं एक नई खबर के साथ में। खबर थोड़ी पुरानी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है दोस्तों, भगवान कृष्ण आप सबके ऊपर दया बनाए रखें। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक नया सिस्टम चला हुआ था पहले, जो कोरोना महामारी के समय में जो श्रमिक मजदूर थे जो पलायन कर रहे थे, उनके लिए एक यूपी गवर्नमेंट ने और कई जगह की गवर्नमेंट ने एक लेबर मैनेजमेंट जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम था, ये पहले से चल रहा था, लेकिन अब ये ज्यादा श्रमिक कार्ड सबके मुंह से सुनने में आपको आ रहा होगा। तो उसमें आपको आज मैं पोर्टल की जानकारी दे दूंगा, जैसे आप ये आपका पोर्टल है LMIS का, लेबर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो ऐसे जाएंगे CSC कनेक्ट आप करोगे तो ये आपका CSC का ऐसे पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी CSC ID आ जाएगी, श्रमिक पंजीयन आपको कैसे करना है, अंशदान नवीनीकरण अंशदान कुछ तो नहीं है, जिनका पुराना बना हुआ लेबर कार्ड है उन्हीं को आप रिन्यू कैसे करेंगे, योजना आवेदन पंजीयन स्थिति वगैरह आप सबको पता है। ठीक है, और हाँ दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ थंबनेल की। तो इसमें यूपी लेबर कार्ड मात्र 45 रुपये में, जी हाँ दोस्तों 45 रुपये में आपका लेबर कार्ड बन जाएगा। और नियोजन प्रमाण पत्र, इसमें दोस्तों जो एक लेटर इशू होता है आप जहां भी काम करते हैं उस अथॉरिटी के द्वारा कि आप एक श्रमिक हैं, आप एक लेबर हैं, और वो आपको कम से कम 90 दिनों से जानता है, इसका एक लेटर बनता है। उसका मैं फॉर्मेट भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा वीडियो के कि कैसे आपको पता चलेगा। और रिन्यू या नया बनवाने के लिए आपको दोनों के लिए 45 रुपये देना पड़ेगा। ये एक साल का वैल्यू है दोस्तों, जैसे आप 2 साल के लिए 100 रुपये, 3 साल के लिए 150 रुपये, ऐसे ही आपका चार्ज कटता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी तक पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, वहां पे आप जाके लेबर टाइप कर दीजिएगा, लेबर टाइप कर देंगे उसके बाद में जो आपको सर्च आएगा उसमें 4th रिजल्ट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लेबर मैनेजमेंट साइट पे आ जाएंगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद CSC कनेक्ट आपको लोगो मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जो आपका CSC कनेक्ट से लॉगिन आईडी खुलेगी आपकी LMIS पोर्टल की, यानी जिसपे आप श्रमिक कार्ड बनाएंगे। ठीक है, इस पर अपना साइन इन कर लेंगे, ये तो आप कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं किसी को इसमें। साइन इन, ये आपका पोर्टल जो आपने पहले देखा था दोस्तों। ठीक है, ये आपका पोर्टल है LMIS का, जिसपे आप श्रमिक कार्ड का पंजीयन करते हैं। इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आपका अंशदान नवीनीकरण वाला ऑप्शन होगा, जिसमें दोस्तों आप क्या करते हैं कि जिनके कार्ड बने हुए होते हैं उनको आप रिन्यू करते हैं। ठीक है, उनका आप दोबारा से पंजीकरण करते हैं। योजना आवेदन पंजीयन स्थिति जिनका हो चुका है, कहाँ तक पहुँचे हैं, उनका कार्ड भी तक आया है कि नहीं आया, ये सब स्थिति आप उसमें देख सकते हैं। चलिए श्रमिक पंजीयन से स्टार्ट करते हैं। श्रमिक पंजीयन पे आप यहाँ पे फ्रेश पंजीयन कर लेंगे।
में दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको नियोजक में उसका नाम भरना है जिसके अंडर आपने अपना काम दिखाया हुआ है, जिसके अंदर आपने अंतर्गत आपने अपना काम किया हुआ है, ठीक है। जो भी काम हो वो आप अपना लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उसका जो एड्रेस पड़ेगा, नाम पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको उसमें, मोबाइल नंबर वगैरह आपको सही जेन्युइन भरना पड़ेगा। इसमें दीजिएगा कि जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे, फोटो आपकी 40 के भी रहेगी, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं, आधार, बैंक पासबुक और नियोजन का प्रमाण पत्र, ये आपका लगभग रहेगा 80 के वीक के अंदर ही, ठीक है। और नियोजन प्रमाण पत्र जो आगे है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जो भी आपका फॉर्मेट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। आप फीस सबमिट करेंगे और उसमें आपका 3 दिन के अंदर, जो आप नीचे लाइन लिखी हुई है, 3 दिन के अंदर आपका कन्फर्म है, लेकिन कम से कम 90 दिनों से काम कर रहे हैं। मैंने इनकी श्रमिक के रूप में जानता हूं।